गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए चैनल माई क्यूट होम गार्डन। तो आज हम बहुत ही ब्यूटीफुल ऑर्नामेंटल प्लांट जेरुशलम चेरी और सूडो कैप्सिकम के जो बीज हैं वो कलेक्ट करने वाले हैं, और कैसे उनको स्टोर करना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, और कौन सा ऐसा सही समय होता है जब इनको कलेक्ट किया जाता है। तो शुरुआत में आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर के होते हैं और धीरे धीरे येलो कलर में कन्वर्ट होने लगते हैं थोड़ा सा जब ये मैच्योरिटी की तरफ जाते हैं। ये देखिए, तो थोड़ा मैच्योर होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं है। तो अभी जो इसके सीड्स है वो हमें कलेक्ट बिल्कुल भी नहीं करने हैं। तो येलो के बाद ये ऑरेंज कलर में जो है वो कन्वर्ट होने लगते हैं, और देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल बेरी जो है आपको नज़र आ रही होगी, पर आपको बता दूं कि ये ईडेबल नहीं होती है, आप देख सकते हैं। तो जैसे जैसे ये ऑरेंज कलर में कन्वर्ट होने लगती है और बेरी का जो साइज़ है वो बड़ा होने लगता है, तो हमें पता चल जाता है कि ये मैच्योर होनी शुरू हो गई है, और अब सीड कलेक्ट करने का जो टाइम है वो लगभग मैं कह सकता हूँ कि आने ही वाला है। ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट ये हमें नज़र आता है, काफ़ी अच्छा ऑर्नामेंटल प्लांट है। तो इसको बीज से बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं। तो अब हम इसके सीड्स जो हैं वो कलेक्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जब इसके सीड पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं ऑरेंज कलर में, तो ये जो चेरी इसके ऊपर लगी हुई है, सूडो चेरी भी हम जिसको कहते हैं, पूरी तरह से ड्राई अप होने लगती है। तो आपको नज़र आ रहा होगा ड्राई अप, तो इससे पता चलता है कि पूरी तरह से मैच्योर हो चुकी है और अब हमें इसके जो सीड्स हैं वो कलेक्ट कर लेने चाहिए। यही इसके बीज को कलेक्ट करने का बिल्कुल सही समय मैं कह सकता हूँ। देखिए कुछ ग्रीन बेरी भी आपको नज़र आ रही होंगी, पर ग्रीन वाली को कलेक्ट नहीं करना, इनको कलेक्ट करना। ये देखिए बहुत ही आसानी से कलेक्ट हो जाती है, और जब ड्राई अप हो जाती है तो खुद ही ये नीचे गिर जाते। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये शीड बोर्ड है, शीड इसके अंदर होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे टाइनी से शीड्स जो हैं आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये बीज बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं और प्लांट जो है वो बहुत जल्दी इससे उग जाता है बिना किसी मेहनत के। ये आप देख सकते हैं, तो जितनी भी ये ड्राई अप चेरी हैं, जो अगर कुछ कंप्लीटली ड्राई अप नहीं भी हुई है तो भी आप उसको कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि अब ये प्लांट के ऊपर जो है वो ब्यूटीफुल नज़र नहीं आते, तो हमें इसको रिमूव कर देना चाहिए ताकि नई बेरी जो है इसके ऊपर आ सके। और विंटर में ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी करता है और फ्रूटिंग भी करता है, पर फ्रूट जो है वो एडेबल नहीं होता है। तो एक एक करके मैं सभी को कलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जितनी भी मैच्योर चेरी थी उन सभी को मैंने कलेक्ट कर लिया है, और आपको पता है कि ये सीड पॉड है, सीड जो है वो इसके अंदर होते हैं। तो अब मैं इसको पूरी तरह से क्या करूँगा, ड्राई अप करूँगा ताकि इसके अंदर से मॉइस्चर जो है वो निकल जाए और हमारा जो सीड है वो किसी भी तरीके से ख़राब ना हो। इस बात का ध्यान हमें रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कम से कम 2 से 3 दिन की धूप जो है उसको लगा दीजिए स्टोर करने से पहले। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कम से कम 2 से 3 दिन तक इन चेरी को जो है पूरी तरह से ड्राई अप कर लिया है, और ड्राई अप करने के बाद इसके अंदर से जो सीड्स हैं वो बिल्कुल छोटे हो जाते हैं, बिल्कुल ब्लैक कलर में आपको नज़र आएंगे। देखिए कुछ और सीड भी आप ये आपको नज़र आ रहे होंगे छोटे छोटे सीड्स, तो ये पूरी तरह से जो है वो ग्रो होने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो आप भी, सर्दी का मौसम है तो आप इसको नॉर्मली रूम के अंदर रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे, मॉइस्चर इनके अंदर से पूरी तरीके से निकल चुका है। तो उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।